हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, पिछले वीडियो पर मैं आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाकर दिखाया था और उस वीडियो पर काफी सारा कमेंट आया है कि भाई आप पैसिव रेडिएटर को कैसे बनाया हो, उसे एक बार आप बनाकर दिखाओ। तो इस वीडियो पर मैं आपको इसी पैसिव रेडिएटर को बनाकर दिखाऊंगा और काफी कम पैसे में आप घर पे ही जो है इसे बना सकते हो। तो चले जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है स्पीकर का कोन ले लेना है। यहाँ पर मैं काफी सारे स्पीकर का कोन लेकर आया हूँ, देख सकते हो। ये दोनों 8 इंच ओफर स्पीकर का कोन है और यहाँ पर छोटे छोटे साइज का भी है। तो ये देख सकते हो, ये 5 इंच का ओफर स्पीकर का कोन है। यहाँ पर आपको ओफर स्पीकर का ही कोन यूज करना है या फिर सब ओफर स्पीकर का यूज कर सकते हो। नॉर्मली स्पीकर का जो कोन आता है उसको मत यूज करना, उससे नहीं होगा क्योंकि उसका साइड जो है इस टाइप का नहीं रहता है, वो पूरा फ्लैट रहता है। तो ओफर स्पीकर में ये हल्का सा उठा हुआ रहता है, तो यही वाला हमें जरूरत है। तो इस टाइप का आपको कोन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से या फिर जहां पर स्पीकर वगैरह रिपेयर होता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। और गाइस, ये जो स्पीकर का कोन है ये काफी अलग अलग क्वालिटी के भी आते हैं। जैसे कि ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए इसका साइड का जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा रबर का है, इसलिए ये मूवमेंट भी काफी अच्छा करता है। और इससे थोड़ा लो क्वालिटी का जो कोन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस टाइप का कोन देख सकते हो, ये साइड का जो हिस्सा है ये पूरा फोम का बना हुआ है, नॉर्मल फोम का। ये रबर का है और ये फोम का बना हुआ है, इससे ये वाला बेटर है। तो इस टाइप का आपको कोन यूज करना है तब अच्छा पैसिव रेडिएटर बनेगा। इससे भी बनेगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन रबर का कोन का यूज करोगे तो बढ़िया बनेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इतना सारा स्पीकर का कोन लेकर आया हूँ। आपको जिस साइज का पैसिव रेडिएटर बनाना है उसी साइज का आपको सिर्फ स्पीकर का कोन ले लेना है। तो मैं यहाँ पर ये 8 इंच स्पीकर कोन का यूज करूंगा रेडिएटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये रबर वाला हिस्सा है इसे हमें इस पेपर से अलग करके निकालना पड़ेगा और बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये रबर का जो पीस है ये फट सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें निकालना पड़ेगा। और इसे निकालने का जो तरीका है वो है, इसमें हमें हल्का सा केरोसिन का जो ऑयल है उसे लगाना पड़ेगा, उससे इसका अंदर का जो ग्लू है वो पूरा छूट जाएगा और ये आराम से निकल आएगा। तो चलिए इसको मैं बाहर लेके चलता हूँ, केरोसिन ऑयल से इस रबर को निकाल कर लेके आता हूँ। तो गाइस, दोनों को अलग करके लेकर आ चुका हूं। आपने देखा केरोसिन ऑयल के मदद से इन दोनों का जॉइंट जो है कितना आसानी से छूट गया है। तो अभी हमें इस कोन का कोई जरूरत नहीं है और मेन जो चीज है हमें ये रबर का रिंग ले लेना है। और इसके बाद गाइस आपको जो है एक पीवीसी पाइप ले लेना है। यहाँ पर मैं 110 mm डायमीटर का पाइप यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके का आपको एक पाइप ले लेना है। अब हमें इस पाइप को जो है सीट में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस पाइप को बीच में से इस तरीके से फाड़ लेना है और इसके बाद गाइस आपको जो है ये हीट गन की मदद से पूरा हीट करने के बाद इसको फ्लैट जगह पर के दबाना पड़ेगा, तब जाके इसका सीट बनेगा। आपके पास अगर हीट गन नहीं है तो आप खाना बनाने वाला जो गैस का ओवन है उसमें भी आप इस पाइप को गर्म करके सीट बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से इस पाइप को मैं सीट बना लेता हूं। तो गाइस, पीवीसी सीट बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो रबर का रिंग है इसके अंदर का जो ये होल है इसके हिसाब से हमें एक राउंड वाला पीस इसमें से कटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है स्केल ले लेना है और स्केल से इसके अंदर का मेजरमेंट निकाल लेना है। देखिए ये जो बिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस 150 mm का मेजरमेंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 150 mm डायमीटर का एक राउंड पीस इस पीवीसी सीट से कटिंग करना पड़ेगा। तो बिल्कुल राउंड करके मार्किंग करने के लिए मैं यहाँ पर ये कंपास का यूज करूंगा। 150 mm डायमीटर का पीस कटिंग करना है तो मैं यहाँ पर कंपास को आधे पे सेट कर लिया हूँ, मतलब 75 mm पे इस कंपास को सेट कर लिया हूँ। और इसके बाद सिंपली आपको इस कंपास को जो है पीवीसी सीट के ऊपर इस तरीके से राउंड करके घुमा लेना है। देखिए गाइस, काफी अच्छे से एकदम बिल्कुल राउंड हो चुका है मार्किंग। अब चलिए जल्दी से मैं इस राउंड पीस को कटिंग करके लेकर आता हूँ।
तो गाइस कटिंग करके लेकर आ चुका हूं, इसे मैं ज्वेलरी सॉ के मदद से कटिंग किया हूं। कटिंग करने के बाद साइड से सैंड पेपर से घिसकर राउंड बना दिया हूं, लेकिन सैंड पेपर से भी इतना अच्छे से एकदम परफेक्टली राउंड नहीं हुआ था। तो इसे बिल्कुल एकदम 00 राउंड बनाने के लिए क्या किया हूं, इसके बीच में एक होल करने के बाद नट बोल्ट फंसा के इस पूरे सेट को ड्रिल मशीन में फंसा के साइड से हल्का हल्का घिस दिया हूं। उससे ये एकदम सर्कल में हो चुका है, एकदम 00 राउंड बन चुका है। और इसके बाद गाइस इस राउंड भी इसके साथ में हमें ये रबर का जो रिंग है इसे चिपकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक फ्लैट जगह पर इस रिंग को जो है सिंपली इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पर देखिए ये जो रबर का रिंग है इसका जो ये उठा हुआ हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये इसका बैक साइड है, देख सकते हो ये अंदर घुसा हुआ है। तो इस तरीके से आपको फ्लैट जगह पर रख लेना है और उसके बाद इस राउंड पीसेस को हमें ग्लू लगाकर इसके सेंटर में इस तरीके से जो है चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने से पहले आपको एक काम और कर लेना है, छोटा सा एक सैंड पेपर का टुकड़ा ले लेना है और इसके बाद साइड साइड से हल्का सा जो है इस पीवीसी शीट को घिस लेना है। इस तरीके से आप घिसोगे तो थोड़ा सा रफ टाइप का बन जाएगा, इससे ग्लू जो है काफी अच्छे से चिपकेगा। तो देखिए यहाँ पर हल्का हल्का मैं रफ कर लिया हूँ, अब चले जल्दी से ग्लू लगाकर चिपका देते हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से एकदम परफेक्टली इसे जो है चिपकाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका दिया हूँ और यहाँ पर आपको हल्का हल्का उंगली से जो है चारों साइड बिल्कुल बराबर करके दबा देना है। और इसके बाद गाइस इसके बीच में कुछ लोड रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले लिया हूँ, सिंपली इसको बीच में इस तरीके से रख देता हूँ। थोड़ा सा कोई सा भी वेट आपको रख देना है और उसके बाद इसको सूखने के लिए कुछ देर तक छोड़ देना है वैसे। तो गाइज लगभग एक घंटा हो चुका है और इसका ग्लू जो है काफी अच्छे से सूख गया है, देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर जो है चिपका है। और देखिए गाइज ये जो अंदर घुसा हुआ है ये रबर, तो ये साइड फ्रंट साइड है और इसका ये साइड जो है बैक साइड है, जो कि रबर देखिए ये फुला हुआ है, तो ये साइड बैक साइड है, तो ये साइड हमारा इंक्लोजर के अंदर रहेगा और ये फ्रंट साइड है तो ये बाहर से हमें जो है दिखेगा। तो इस साइड को बढ़िया से फिनिशिंग के साथ जो है आपको बनाना है। अब गाइज यहाँ पर क्या करना है, ये जो पीवीसी शीट का राउंड पीस है इसे हमें फिर से जो है राउंड करके कट करना पड़ेगा। तो मार्कर से आपको सिंपली ये जो रबर का एंड पॉइंट है एंड पॉइंट से इस तरीके से आपको जो है मार्किंग कर लेना है। और इसके बाद गाइज ये जो मार्किंग है इस मार्किंग के बाहर साइड से मतलब इस साइड से हमें जो है कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से हमें इस पीवीसी शीट को कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो रबर है ये भी कट सकता है। तो धीरे धीरे करके हमें जो है मार्किंग के बाहर साइड से कटिंग कर लेना है। तो गाइस कटिंग कर लिया हूँ, देखिए बीच में से पीस को मैं राउंड करके कट करके निकाल लिया हूँ। सिर्फ ये पीवीसी शीट का रिंग जो है ये रबर पीस के साथ चिपका हुआ है कुछ इस टाइप से। अब गाइस हमें जो है इसके ऑपोजिट साइड मतलब ये जो फ्रंट साइड है इस साइड से हमें एक राउंड पीस यहाँ पर जो है चिपकाना पड़ेगा पीवीसी शीट का। तो सबसे पहले गाइस आपको जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्केल से मेजरमेंट कर लेना है, उसके बाद उसी डायमीटर का एक राउंड पीवीसी शीट से पीसेस जो है कट कर लेना है, जो कि मैं पहले से यहाँ पर कट करके रखा था। इस पीस को मैं परफेक्ट राउंड बनाने के लिए बीच में एक होल करके इसे ड्रिल मशीन में फंसा के पूरा एकदम अच्छे से राउंड बना लिया हूं, जो आप पहले ही देख लिए हो। सेम उसी प्रोसेस से इसको भी मैं राउंड बनाया हूं। और अभी हमें इस पीस को यहां पर जो कुछ इस टाइप से चिपकाना पड़ेगा, लेकिन चिपकाने से पहले हमें जो है बीच में ये होल को जो है बंद कर देना है। तो बंद करने के लिए सिंपली मैं यहां पर जो पीवीसी शीट कटिंग किया था उसका जो पाउडर निकला हुआ है उसी का यूज करूंगा। तो पहले आपको इस टाइप का टेप आपको ले लेना है, इस तरीके से चिपका देना है और उसके बाद आपको जो है इस पाउडर को धीरे धीरे करके इस होल में भर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपका देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर होल जो है पूरा पैक हो चुका है और देखिए हल्का सा ये उठा हुआ है, तो हमें इसको जो है सैंड पेपर से घिसकर बिल्कुल बराबर कर लेना है। और इसके ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है इसको भी हमें सैंड पेपर से घिस घिस के बिल्कुल राउंड कार्व टाइप का बना देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस टाइप से हमें फिनिशिंग कर लेना है सैंड पेपर से इस पीस को। और गाइस देखिए इसे चिपकाने से पहले हमें इस पीस को जो है कलर करना पड़ेगा, बाद में हम कलर कर नहीं पाएंगे दिक्कत होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको सैंड पेपर से बढ़िया से फिनिशिंग करके कलर भी कर लेते हैं।
तो गाइस सैंड पेपर से घिसने के बाद मैं इसको कलर भी कर लिया हूँ। देखिए साइड एज जो है कॉर्नर को हल्का हल्का घिस घिस कर बिल्कुल कार्व टाइप का बना दिया हूँ। और देखिए फुल बॉडी पर ब्लैक कलर किया हूँ और बीच में दो व्हाइट कलर से डिजाइन बनाया हूँ। इस डिजाइन को बनाना काफी इजी है, सिंपली आपको जो भी डिजाइन बनाना हो उस हिसाब से आपको किसी भी लेमिनेशन पेपर को कट करके यहाँ पर चिपका देना है और ऊपर से स्प्रे पेंट कर दोगे तो इस टाइप का डिजाइन इजिली आपका बन जाएगा। तो देखिए काफी मस्त लग रहा है यहाँ पर। अब गाइस हमें इसे जो है इस रबर रिंग के साथ जो है चिपका देना है। सिंपली साइड से हम पहले ग्लू लगा लेते हैं। अब आपको सिंपली धीरे धीरे करके बिल्कुल सेंटर में इसको जो है चिपका देना है। तो गाइज यहाँ पर बढ़िया से मैं सेट करके इसे चिपका दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके इस पूरे सेटअप को जो है इस तरीके से पलट लेना है। और देखिए ये जो साइड में जो है जॉइंट है इसको भी हमें ग्लू से चिपकाना पड़ेगा। तो सिंपली आपको ग्लू लगा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से फिर से पलट देना है और इसको धीरे धीरे करके जो है उंगली से इस तरीके से दबा देना है चारों ओर और कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देना है सूखने के लिए। तो गाइज काफी टाइम हो चुका है और इसका ग्लू जो है काफी बढ़िया से सूख गया है और इसे मैं धूप में थोड़ा बाहर रख दिया था अच्छे से सूखने के लिए। आपको जो है इसको 2-3 घंटा बाहर धूप में सुखा लेना है, उससे इसका जॉइंट जो एकदम मजबूती के साथ चिपक जाएगा। देख सकते हो काफी बढ़िया से जो है इसका ग्लू सूख गया है। तो फाइनली हमारा ये जो पैसिव रेडिएटर है ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सेम इसी टाइप से मैं और दो पैसिव रेडिएटर बनाया हूँ जो कि ये दोनों देख सकते हो। ये जो है 8 इंच का पैसिव रेडिएटर है इसी के बराबर का और ये एक छोटे साइज का बनाया हूँ। इसका साइज जो है 5 इंच। और देखिए सिर्फ यहाँ पर जो है तीनों रेडिएटर का मैं बीच में अलग अलग कलर का यूज किया हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और देखिए यहाँ पर इसे मैं जिस तरीके से बनाया हूँ बीच में ये पीवीसी सीट लगाया हूँ, पीवीसी सीट का रिंग चिपकाया हूँ, सेम इन दोनों को भी बनाया हूँ, तीनों में सेम प्रोसेस का यूज किया हूँ। तो इसी प्रोसेस को यूज करके अपने हिसाब से कोई सा भी पैसिव रेडिएटर जो है बना सकते हो। तीनों पैसिव रेडिएटर को काफी बढ़िया फिनिशिंग के साथ बनाया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से खरीदा हुआ पैसिव रेडिएटर है। लेकिन यहाँ पर मैं 60 से 70 रुपए खर्च करके इस पैसिव रेडिएटर को घर पे बना लिया हूं। इसमें जो स्पीकर का कोन यूज किया हूं वो मुझे 50 रुपए का मिला था और पीवीसी सीट और ग्लू वगैरह जोड़कर मैं 60 से 70 रुपए का मान के चलता हूं इसका खर्चा आया है। तो 60 से 70 रुपए में काफी बढ़िया से आप घर पे एक पैसिव रेडिएटर जो है बना सकते हो। और ये आप पैसिव रेडिएटर अगर मार्केट से लेने जाते हो तो काफी ज्यादा रेट मिलता है और मार्केट पर ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पर है, लेकिन ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा रेट है। उससे अच्छा आप कम पैसे में घर पे इस पैसिव रेडिएटर को जो है बना सकते हो। तो फाइनली गाइस हमारा पैसिव रेडिएटर जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जल्दी से इसे मैं टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। तो गाइस टेस्टिंग करने के लिए हमें यहां पर एक इंक्लोजर का जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहां पर एक टूटा फूटा इंक्लोजर का जुगाड़ किया हूं। देखिए गाइस ये जो पैसिव रेडिएटर है ये 8 इंच का है तो हमारे पास फिलहाल अभी 8 इंच का इंक्लोजर नहीं है, तो मैं ये छोटा सा इंक्लोजर में ही आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें एक जो है 5 इंच का सबवूफर लगा हुआ है। हमें जो है इस पैसिव रेडिएटर को फुल सील इंक्लोजर में जो है टेस्ट करना है और ये इंक्लोजर पहले से जो है पोर्टेड इंक्लोजर था तो इसलिए मैं इसका जो होल वगैरह था ये ट्विटर का होल था और ये पोर्ट का होल था तो इन सभी को मैं हॉट ग्लू की मदद से पूरा सील कर दिया हूं। अब चलिए जल्दी से इस पैसिव रेडिएटर को हमें यहां पर जो है लगा देना है इस तरीके से। तो गाइस पैसिव रेडिएटर को इंक्लोजर में फिट कर दिया हूँ और यहाँ पर देखिए मैं स्क्रू लगाकर एक MDA बोर्ड का रिंग लगा के टाइट किया हूँ। इसे मैं बाद में खोल लूंगा, परमानेंट यहाँ पर नहीं लगाया हूँ। देखिए सबवूफर के साथ ये रेडिएटर भी आगे पीछे मूव हो रहा है तो इससे हमें पता चलता है ये पूरा जो है एयर टाइट हो चुका है। अब चलिए जल्दी से मैं इसे ऑन करता हूँ। ये जो 5 इंच का सबवूफर है इसको मैं कनेक्ट किया हूँ इस होम थिएटर के साथ। सिर्फ यहाँ पर मैं लो फ्रिक्वेंसी सॉन्ग को यूज करूंगा, उससे ये पैसिव रेडिएटर का एक्चुअल क्वालिटी जो है हमें पता चलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी वोकल सुनाई नहीं देगा, सिर्फ बेस का जो पंचिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे वॉल्यूम यहां से बढ़ा देता हूं। देखिए गाइस काफी बढ़िया से यहां पर जो है पंचिंग हो रहा है। देखिए कितना अच्छे से ये मूवमेंट कर रहा है। देखिए स्पीकर के साथ एकदम बढ़िया से यहां पर वर्क कर रहा है पैसिव रेडिएटर।
तो गाइस देखा आपने, ये पैसिव रेडिएटर काफी बढ़िया से काम किया, कितना अच्छे से आगे पीछे मूवमेंट कर रहा था, देखने में एकदम मस्त लग रहा था। और ये इंक्लोजर के वजह से आपको बेस में हल्का सा जो है फरफरा टाइप का सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टूटा फूटा इंक्लोजर है, बस मैं काम चला रहा हूं। तो ये पैसिव रेडिएटर काफी बढ़िया से काम किया है। अब चलिए इसको निकाल के मैं ये दूसरा जो पैसिव रेडिएटर है इसको लगाकर एक बार टेस्ट कर लेता हूं। तो गाइस पैसिव रेडिएटर को चेंज कर दिया हूं, अब चलिए धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। देखिए गाइस काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस ये रेडिएटर भी एकदम परफेक्ट काम किया है, काफी अच्छे से आगे पीछे जो है मूवमेंट कर रहा था। और इंक्लोजर थोड़ा सा जो है छोटा पड़ गया है, 8 इंच रेडिएटर के लिए 8 इंच इंक्लोजर एकदम बढ़िया रहता है, उसमें आपको आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा। तो ये दोनों पैसिव रेडिएटर एकदम परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है। और ये छोटे वाले को मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये भी बढ़िया से ही वर्क करेगा। तो ये पैसिव रेडिएटर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।